प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है साधु और सर्प। मधईपुरा एक छोटा सा गांव था, जिस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के खेतों के बीचों बीच एक बरगद का विशालकाय वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे एक खूंखार सांप रहता था। सभी गांव वालों को मालूम था कि यह कालिया नाग सबको डस लेता है। सभी वहां जाने से डरते थे। सबको मालूम था अगर हम उसके पास से भी निकले तो वह कालिया नाग हमें डस लेगा, क्योंकि वह खूंखार सांप जो भी उसके पास से निकलता था वह उसको डस लेता था। और ऐसा हुआ भी। जिन लोगों को मालूम नहीं था, वे गांव में अचानक उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें उस कालिया नाग ने डस लिया। और वह नाग इतना जहरीला था कि उसे डसते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। अब यह बात धीरे धीरे सारे गांव में फैल चुकी थी कि उस रास्ते से कोई ना गुजरे, क्योंकि वह जहरीला सांप अक्सरा उस रास्ते में बैठा रहता था। अब लोगों ने धीरे धीरे उस रास्ते से निकलना ही बंद कर दिया और उन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाया। अब जब भी वहां से कोई भी गुजरता तो वह कालिया नाग उन सबको देखता, लेकिन वह उसके पास से नहीं निकलते थे। अब एक दिन ऐसा ही हुआ। गांव में एक संत महाराज आए, वह उस रास्ते से गुजर रहे थे। अब उस गांव के लोगों ने संत जी को जब उस रास्ते से जाते हुए देखा तो उन्हें लगा, अरे कहीं यह संत महाराज उस सांप के नजदीक ना गुजर जाए और यह कालिया नाग तो इन्हें भी डस लेगा। उन्होंने संत महाराज को कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं और इस रास्ते में तो एक विषैला सांप रहता है। तो संत महाराज ने कहा, मैं एकांत खोज रहा हूँ जहाँ मैं बैठकर प्रभु की आराधना कर सकूँ। मुझे यह पेड़ सही लग रहा है, इसकी छांव में बैठकर मैं कई समय तक भगवान की तपस्या कर सकता हूँ। बच्चों ने बताया, नहीं महाराज आप उस तरफ मत जाना, उसी पेड़ के नीचे तो वह विषैला सांप रहता है। वह डरावना और खतरनाक सांप रहता है, वह आपको डस लेगा। संत ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं यह सब कुछ देख लूंगा, लेकिन इस खेतों के मालिक को मेरे वहां बैठने से कोई तकलीफ ना हो, बस यही मैं पूछना चाहता था। तो बच्चों ने कहा, नहीं महाराज, संत महाराज आपके बैठने से खेत के मालिक को कोई समस्या नहीं होगी, समस्या तो केवल उस नाग की है। तो संत महाराज ने बच्चों की बात को हंसकर टाल दिया और कहा, तुम उसकी तनिक भी चिंता मत करो, मुझे तो सिर्फ प्रभु के सुमिरन में ही समय बीत जाएगा, मुझे उस सांप से तो कोई लेना देना ही नहीं। और वह कहकर आगे निकल गए और संत महाराज उसी पेड़ की छांव के पास पहुंचे और उन्होंने देखा वह काला नाग उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। संत महाराज ने कहा, देखो मैं प्रभु की तपस्या में बैठने जा रहा हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और संत महाराज प्रभु की तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब संत महाराज की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा, अरे यह क्या, यह विषैला सांप तो यहीं बैठा है और वे मुझे ही देखे चला जा रहा है। संत महाराज ने उस विषैले सांप को बड़े प्यार से कहा, हे नाग देवता, तुम क्यों लोगों को डसते हो,
इस गांव के लोगों के मन में तो तुम्हारे नाम का भय है, वे तुम्हारे नाम से भी कांपते हैं। तुमने क्यों इतना डर फैला रखा है? क्या मिलता है तुम्हें लोगों को डसकर? तुम बड़े प्यार से और आराम से यहाँ रहो। तो वह काला नाग बोला, संत महाराज, मुझे किसी को भी डसने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? जो भी यहाँ से निकलता है अचानक मैं उसको डस लेता हूँ। मेरी तो प्रवृत्ति ही डसने की है, मैं क्या करूँ? मैं अपने गुस्से को शांत ही नहीं कर पाता। तो संत महाराज ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, हे विशैले नाग, तुम इस मंत्र का जाप किया करो, देखना प्रभु की कृपा तुम पर होगी और तुम धीरे धीरे शांत हो जाओगे और तुम यह लोगों को डसना भी बंद कर दोगे। अब उस विशैले सांप ने संत महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं कभी भी किसी को नहीं डसूंगा और अपने इस गुस्से को भी शांत कर लूंगा। आपने जो मुझे मंत्र सिखाया है मैं उसका नित्य जाप करूंगा। और यह कहकर संत महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं कुछ समय बाद यहाँ लौटूंगा, तब तक तुम अपना गुस्सा शांत कर लेना। यह कहकर संत महाराज आगे की ओर बढ़ गए। अब जब संत महाराज वापिस जा रहे थे तो वही बालक उन्हें दोबारा मिले और उन्हें हैरान देखकर बोले, अरे संत महाराज, आप जिंदा कैसे लौट आ रहे हैं? उस सर्प ने आपको डसा नहीं? तो संत महाराज हंसने लगे और बोले, नहीं, अब वह किसी को नहीं डसेगा, अब तुम उस रास्ते से सभी जा सकते हो। अब संत महाराज की बात बच्चों को हजम नहीं हुई। उन्होंने सोचा, वह सर्प हमें डसेगा नहीं, ये तो बात सत्य नहीं है, लेकिन संत महाराज जिंदा लौट आए, यह बात तो सत्य है। अब यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि उस पेड़ के नीचे संत महाराज तपस्या करके आए हैं और तब से वह सर्प किसी को भी नहीं डसेगा। अब सभी लोग वहां से गुजरने लगे, लेकिन यह क्या, उस सर्प की प्रवृत्ति तो बिल्कुल ही बदल गई। वह विशैला सांप अब किसी को नहीं डसता था, सभी उसके पास से आराम से बेझिझक बेडर से निकलते थे। अब किसी को भी उस सर्प से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन यह क्या, गांव के बच्चे तो इतने शरारती थे कि वह उस चुपचाप बैठे सांप को भी पत्थर मारने लगे। अब वह सर्प रोजाना नित्य उस मंत्र का जाप करता और अपने गुस्से को शांत करके रखता था। अब उस गांव के बच्चों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब तो वह सर्प किसी को भी डसता नहीं था, लेकिन उसने अपना आचरण बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि उसने साधु महाराज से वादा किया था कि मैं अब किसी को भी नहीं डसूंगा। अब वह बच्चे उसे पत्थर मार मार कर उसे लहू लुहान करने लगे। वह सर्प लहू लुहान हो गया, लेकिन वह धीरे से अपने बिल में वापस चला गया और उसने किसी को भी नहीं डसा। अब बच्चों ने सोचा, यह सर्प तो किसी को भी नहीं डसता, अब तो हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। उन्हीं में से ही एक बालक ने शरारत की और उस सर्प को उठा लिया। अब उस बालक ने जैसे ही सर्प को उसकी पूंछ से उठाया तो यह क्या, वह तो उसको हवा में गोल गोल घुमाने लगा और गोल घुमाते घुमाते उस सर्प को दूर दे मारा। तभी अचानक उसी रास्ते से वही साधु महाराज गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह हालत बच्चों की देखी, अरे यह सब बच्चे क्या कर रहे हैं, उस सर्प को तंग कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। वे उस सर्प के पास आए, वह घायल अवस्था में पड़ा था। साधु महाराज ने उसे कहा, अरे यह तुमने अपनी क्या हालत कर डाली? उस काले सर्प ने साधु महाराज को कहा, महाराज, आप ही ने मुझे काटने के लिए मना किया था। साधु महाराज ने उस सर्प को कहा, देखो पुत्र, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुफकारने के लिए नहीं,
तुम्हें अपनी रक्षा के लिए फुफकारना अवश्य था, जिससे यह बालक तुम पर हमला नहीं करते। देखा बच्चों, सर्प ने अपनी डसने की प्रवृत्ति तो बदल डाली, लेकिन यहाँ उसे अपने बचाव के लिए फुफकारना अवश्य था, और यही साधु महाराज उसे समझाना चाहते थे।